हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदनी आज आपके लिए फिर एक नया पोटली बैग लेके आई हूँ और वो इस तरह से है। इसमें मैंने आज सामने एक जिप दी है इस तरह से, और जिप के साथ साथ हमने इसमें ये पाउच तो दिया ही है, इसके साथ हमने इसमें एक पोटली वाला सिस्टम भी दिया है जो इस तरह से टाइट होके बंद हो जाएगा, और इसमें हमने इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉटम दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 4x8 इंच का वन पीस क्विल्टेड, जो इस तरह से होगा, 13x15 इंच के टू पीस फैब्रिक जो मैंने इस तरह से लिए हैं, सिंपल फैब्रिक है, टू पीस में है ये, और 13x13 के टू पीस प्रिंटेड फैब्रिक जो हमने इस तरह से लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 8x8 का वन पीस एम्ब्रॉयडर्ड पीस। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी पीस नहीं है तो कोई भी प्रिंट पीस भी ले सकती हैं, या उसको पेंट करके भी तैयार कर सकती हैं, जो भी अच्छे प्रिंट हो उसको भी लिया जा सकता है। फिर 8x8 का वन पीस लाइनिंग, हमने इस तरह से लाइनिंग ली है, डोरी 28 इंच की टू, हमने ये डोरी बनाई है इस तरह से, जिप 8 इंच की वन, रनर वन, इसको हमने इस तरह से तैयार करके रखा है, लेस उसी से मैचिंग की लेस थोड़ी सी ली है, और थोड़े से मोती। अगर आपके पास इस तरह के जिसको लटकन बोलते हैं, मोतियों की लटकन हो या जो भी पॉम्पॉम की लटकन हो उसको ले लीजिए, नहीं तो मोतियों से बना लीजिए। इसीलिए यहाँ मैंने बीज सीख दिए हैं कि जिस तरह से भी आपको हो सकता है आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे 13x13 का एक पीस लेंगे, 8x8 इंच का एक एम्ब्रॉयडरी पीस या प्रिंटेड पीस जो भी है उसका लाइनिंग पीस, और एक जिप, और उसके साथ हमें लेस की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा 13x13 का पीस है इसका हम सेंटर निकालेंगे। इसको सीधी तरफ से ही हमें सेंटर निकालना होगा। कपड़े को बस जस्ट हाफ कर ले, ये हमारा सेंटर आ गया। अब इसको 1 इंच ऊपर निशान लगा लें। ये हमारा 1 इंच पर निशान लग गया है। अब इसको हम निशान लगा के रख देंगे। अब हम ये दोनों पीस लेंगे और इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले पीस पर उल्टी जिप ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग लगा देंगे और तीनों को एक साथ सिल देंगे। और ये जिप हमारी इस तरह से आ जाएगी और ये लाइनिंग पीस इस तरह से आ जाएगा, सिलाई हमारी पूरी अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर हम फिनिशिंग दे देंगे। और इसके साथ ही ये तीनों साइड हम सिल देंगे। ये पीस इस तरह से पूरा तैयार करने के बाद हम ये 13x13 इंच का पीस लेंगे और जो इसमें 1 इंच के मार्जिन पर हमने निशान लगाया था और सेंटर निकाला था, इसका भी सेंटर हमने निकाला है। यहाँ पर ये 8 इंच है, तो अब ये 9 इंच हो गया, ये 8 इंच हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारी जिप लग चुकी है। तो ये 4 इंच पर यहाँ पर जो निशान आया है इसको इस सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे 1 इंच के ऊपर ही, और अब इसके चारों तरफ हम लेस लगाएंगे। Thank you.
हमारी एक पॉकेट यहाँ पर तैयार हो गई है इस तरह से। अब इसमें हम जो 13x15 इंच का हमने पीस लिया था उसको एक पीस लेंगे इस तरह से। हमारा 13 इंच का एरिया है, दोनों को हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से फिनिशिंग देनी होगी, करीब 1 इंच इधर 1 इंच इधर। ये जो जॉइंट आया है, जॉइंट से 1 इंच इधर 1 इंच इधर, 2 इंच का हमें यहाँ पर दोनों साइड में मशीन चलानी होगी। और इस तरह से इसको सिलने के बाद इसको हम पलटेंगे और पाइपिंग की तरह हल्का सा ये लुक निकालते हुए, जैसे इसकी पाइपिंग निकली है लेस की, इसकी भी हम पाइपिंग जैसी लुक निकालेंगे और इस पर मशीन चला देंगे। और फिर इसके बाद 1/2 इंच डाउन जा करके एक मशीन चलाएंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। और ये इस तरह से जुड़ जाने के बाद अब हम इसको सीधा इस तरह से रखेंगे और जो दूसरा पीस है उसको उल्टा इस पर रखेंगे। और जो प्रिंट वाला पीस है, प्रिंट को प्रिंट से मिला के सिल देंगे और प्लेन को प्लेन से मिला के सिल देंगे। ये हमारा दोनों साइड सिल गया है, ये इस तरह से हमने जोड़ दिया। ये बॉटम अभी खुला हुआ है और इसका भी बॉटम खुला हुआ है। और इसको सिलते समय जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसे, ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ पर छोड़ा था पाइपिंग डालने के बाद, ये हमारा डोरी डालने के काम आएगा। ये दोनों साइड हमने अंदर छोड़ने के बाद इसको यहाँ पर सिला था। तो अब इसमें हम इसको चारों तरफ छोड़ने के बाद अब हम ये जो हमारे पास 4x8 का पीस है क्विल्टेड, इसको हम जोड़ेंगे। इसका हमने यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकाल लिया 4 इंच पर, और इसको ये जो हमने सिलाई की थी और ये जो सेंटर निकाला है, इन दोनों को मिलाते हुए इसको यहाँ मिलाएंगे और दूसरे साइड का इधर 4 इंच पर मिलाएंगे। ये 8 इंच आ जाएगा बीच में और इसको हम छोड़ देंगे। और ये हमारा बॉटम जुड़ गया और अब इसको हम सीधा करेंगे। कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे और कॉर्नर निकालने के बाद जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ फिनिशिंग वाली मशीन चला देंगे। और ये हमारे पोटली बैग को एक शेप मिल गया, ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। और अब इसमें हम डोरी डालेंगे। ये जो हमारे 1/2 इंच के होल हैं तो इसमें एक डोरी यहाँ से डालेंगे इधर ले आएंगे और दूसरी डोरी हम इधर से डालेंगे इधर ले आएंगे।
ये डोरी कुछ इस तरह से इसमें पड़ेगी। ये दो साइड इस तरह से हमें डोरी डालनी है, एक ही उसमें से जो हमने ये बनाया है उसमें से ऐसे घुमा करके डोरी डालनी। ये हमारी एक डोरी कंप्लीट हो गई। अब ये डोरी जो है दूसरी वाली हम इस साइड से डालेंगे और दूसरे इसी साइड से ही निकाल लेंगे। ये हमारी डोरी पड़ गई है और डोरी में मैंने एक तरफ ये भी लगा दिया है, ये मैं आपको लगाना बताऊंगी। लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डोरी अगर आपकी पतली है, क्योंकि यहाँ पर हम डबल डाल रहे हैं, डोरी अगर आपकी पतली है तो उसी हिसाब से पतली है या मोटी है उसी हिसाब से ये आपको यहाँ पे डोरी डालने की जगह बनानी होगी। तो मेरी डोरी तो पतली थी तो मैंने हाफ इंच में, और थोड़ी नरम भी है, सॉफ्ट भी है, क्योंकि 2x2 के कपड़े से मैंने इसको बनाई थी। तो इससे भी जो पतली डोरी आती हैं, जो आजकल के डिज़ाइनर कुर्ती और ब्लाउज़ वगैरह में पीछे बांधने के लिए लगाई जाती हैं, अगर वो डोरी आप डालती हैं तो हाफ इंच काफ़ी है, और नहीं तो आपको 1 इंच का मार्जिन देना होगा अगर अपने से कोई पतली डोरी बनाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको कैसे लगाना है। अब इस तरह से सुई में एम्ब्रॉयडरी धागा ले लें फुल पूरा, ताकि टूटने का चांस ना रहे, और किसी एक डोरी में बीच में इसको इस तरह से डालें तो नॉट बीच में चली जाएगी। इसके ऊपर इसको इस तरह से रखें और वापस दोनों को एक साथ यहाँ पर पिरो लें। अब इसको हम यहाँ से बांधना शुरू करेंगे इस तरह से, खूब नज़दीक से और टाइट खूब बांधना होगा। ये यहाँ तक हम आ गए हैं। अब ये सुई में हम ये दोनों को डालेंगे इस तरह से, ये हमने डाला, और इसको इन दोनों के बीच में ले आएंगे और ढीला पकड़ते हुए ये इसके नीचे आना चाहिए, और इसको यहाँ पे लपेट देंगे और लपेटते हुए ऊपर आएंगे। और ये हमारा पोटली बैग इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये देखिए, अब ये डोरी का काम तो हो गया। अब इसमें हम जो हमारा अंदर लाइनिंग का कपड़ा था, इसका जो बॉटम का हिस्सा है, इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से, फिनिशिंग के साथ अंदर मोड़ेंगे और सिल देंगे। और अब ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है। अब ये पोटली के साथ साथ हमारा बैग भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने जिप भी है, बॉटम भी है और डोरी भी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।